नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रकाश स्पीकिंग फ्रॉम आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं नए नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। आज के एपिसोड में मैं बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ बायोलॉजी शब्द की बायोलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु कहलाते हैं दोस्तों। और बायोलॉजी कहते हैं किसको, जीवधारियों के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। और बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया गया है, जूलॉजी और बोटनी। और जूलॉजी के जनक हैं दोस्तों अरस्तु हैं, जिनको हम एरिस्टोटल भी अंग्रेजी में बोलते हैं। और बोटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम चलिए जानते हैं कि जंतु विज्ञान कहते हैं किसको। तो जंतुओं के अध्ययन को हम जंतु विज्ञान कहते हैं और वनस्पतियों के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन अगर बात करते हैं दोस्तों तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, और साइंस के भी जनक कहलाते हैं दोस्तों अरस्तु ही कहलाते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको मानव रोग के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। और बहुत ही सुंदर वीडियो है दोस्तों, और यह इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों। और अभी कुछ दिनों में बिहार SI दरोगा का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, और CHSL का एग्जाम चल रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं दोस्तों और पूछे भी जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है दोस्तों, और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ह्यूमन डिजीज, आज के एपिसोड में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डिजीज। देखिए दोस्तों, मानव रोग को दो वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। मानव रोग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है जन्मजात रोग। एक रोग कैसा होता है, जन्मजात होता है, एक उपार्जित रोग होता है दोस्तों। एक जन्मजात रोग होता है और एक होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग में आ जाता है दोस्तों हीमोफीलिया, जो है जन्मजात रोग है दोस्तों। हृदय के विकार भी जो जन्मजात रोग है दोस्तों। वर्णांधता भी जन्मजात रोग है दोस्तों। ये सब जन्मजात रोग है। अब है उपार्जित रोग कौन कौन से है दोस्तों। उपार्जित रोग को भी दो भागों में बांट दिया गया है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम संक्रामक रोग कहते हैं और असंक्रामक रोग कहते हैं दोस्तों। संक्रामक रोग कहा किसे जाता है, तो ऐसे रोग जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं। ऐसे रोग कैसे फैलते हैं, जब हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट में आता है तो इस प्रकार के डिजीज हो जाते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है और अगर वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाता है तो उसे भी इस प्रकार का डिजीज हो जाता है, संक्रामक रोग हो जाता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि कुछ रोग जो होते हैं वो जीवाणु से होते हैं। किससे फैलते हैं दोस्तों, जीवाणु जनित रोग। अब जानते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है। टिटनेस जो है दोस्तों, टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस जो होता है दोस्तों किससे होता है, टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब दीजिए, किस प्रकार के जीवाणु से टिटनेस होता है, तो टिटैनी नामक जीवाणु से। सिफिलिस भी जो है दोस्तों जीवाणु से होने वाला जीवाणु जनित रोग है। हैजा दोस्तों, हैजा भी जो है वो जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया जो है वो भी जीवाणु जनित रोग है। काली खांसी दोस्तों, मैं आपको बता दूं काली खांसी कैसा रोग है, किस जीवाणु से होता है। प्लेग भी जीवाणु से होने वाला रोग है। निमोनिया जो होता है दोस्तों किससे होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है निमोनिया, याद रखिए दोस्तों। कॉलरा भी जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। गोनोरिया जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। क्षय रोग जिसको TB कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है दोस्तों क्षय रोग। तपेदिक रोग भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। क्षय रोग जो है वो संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। टाइफाइड जिसको आंत का बुखार भी कहा जाता है दोस्तों। टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी के जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। टाइफाइड किसके, विडाल टेस्ट के जरिए टाइफाइड की पुष्टि की जाती है, जिसको विडाल परीक्षण भी कहते हैं दोस्तों, है ना। ये टाइफाइड जो होता है दोस्तों किस जीवाणु से होता है, तो सल्मोनेला टाइफी से होता है। ये आंत में होता है, आंत में बुखार, आंत की बीमारी है। टाइफाइड रोग का संबंध किस अंग से है, तो ये आंत से होता है। विषाणु से होने वाले रोग, वायरस से। मैं आपको बता दूं जीवाणु का खोज जो किए थे एंटी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, और ये हॉलैंड के व्यक्ति थे और इन्होंने जीवाणु का खोज किया। मैं आपको बता दूं जीवाणु के जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं जीवाणु विज्ञान के जनक, ये कहलाते हैं आपको एंटी वॉन लीवेनहॉक ही कहलाते हैं, फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी।
बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान कहते हैं, और इसके जनक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एंटी वॉन लीवेनहॉक, जो कहाँ के थे दोस्तों, हॉलैंड के थे। विषाणु, विषाणु के जनक कहलाते हैं इवोनोस्की कहलाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। विषाणु, विषाणु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, इवानोस्की कहलाते हैं। तो हम बताते हैं विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग है रेबीज या हाइड्रोफोबिया, दाद हो गया, चेचक हो गया दोस्तों। चेचक जो होता है वो किससे होता है आपको, विषाणु से होता है दोस्तों। छोटी माता किससे होता है दोस्तों, विषाणु से होता है। ट्रेकोमा आँख का बीमारी है दोस्तों, जिसको हिंदी में रोहा कहा जाता है दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रोहा बीमारी किस अंग से संबंधित है, तो आँख से संबंधित है दोस्तों। ट्रेकोमा अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी रोहा होता है दोस्तों। विषाणु से होने वाला रोग है दोस्तों, विषाणु जनित रोग है। खसरा, पोलियो भी विषाणु जनित रोग है, हेपेटाइटिस भी विषाणु जनित रोग है, और एड्स जो है एचआईवी वायरस से होता है दोस्तों। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और मैं आपको बता दूं, एड्स जो है विषाणु से होता है, इबोला जो है वो भी विषाणु से होता है, इंसेफलाइटिस जो है जापानी इंसेफलाइटिस जो होता है, इंसेफलाइटिस जो होता है वो विषाणु से होता है। चिकनगुनिया भी दोस्तों विषाणु से ही होता है, डेंगू भी होता है विषाणु से, रूबेला भी होता है विषाणु से, और गलसुआ जिसको गलसोथ भी कहते हैं वो भी विषाणु से, विषाणु जनित रोग है दोस्तों। कवक से होने वाले रोग है दोस्तों दम्मा, जो एस्परजिलिस फ्यूमीगेट्स कवक के कारण होता है दोस्तों। याद रखिएगा, दम्मा और गंजापन जो है दोस्तों वो कवक से होने वाला रोग है, कवक, कवक जनित रोग है दोस्तों। और दम्मा जो होता है किस कवक से होता है, एस्परजिलिस फ्यूमीगेट्स के द्वारा होता है दोस्तों। और गंजापन जो होता है टीनिया कैपिटिस के कारण होता है दोस्तों। गंजापन किसके कारण होता है, टीनिया कैपिटिस के द्वारा होता है। डेंगू दोस्तों, डेंगू जो है, डेंगू फीवर जो होता है वो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। डेंगू किससे होता है याद रखिए, बहुत पूछा जाता है डेंगू किससे होता है, ये विषाणु जनित रोग है दोस्तों, विषाणु से होता है। डेंगू फीवर जो होता है मादा, सॉरी परजीवी है ये दोस्तों, ये परजीवी है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर जो से होता है डेंगू फीवर। चेचक, ये चिकनगुनिया एडीज एडीज एजिप्टी मच्छर से होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चिकनगुनिया किससे होता है, एडीज एजिप्टी मच्छर से होता है। चिकनगुनिया किससे होता है दोस्तों, एडीज एजिप्टी मच्छर से होता है दोस्तों। एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है, और डेंगू फीवर जो होता है दोस्तों मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू फीवर जो होता है किससे होता है, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और चिकनगुनिया जो होता है एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, अगर इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जय बार, जितना बार देखिएगा आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव टू सेगम, हैव अ नाइस टाइम।